हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज बन रहा है हमारे यहाँ पे अदौरी। किसको किसको अदौरी पसंद है और कौन कौन अदौरी को पहचानता है कि ये क्या चीज़ होती है, और किसके किसको नहीं पता है आप लोग, या किसके घर पे क्या अलग चीज़ें बोली जाती हैं, इनको कमेंट करके बताइएगा। इसको कई तरीके से बनाया जाता है। पहले इसको तेल में भून के, इसके बाद मसाला वगैरह भून के भी इसको भूनते हैं। बाकी मैं भूल गई थी तो मैंने प्याज डाल दिया था, तो फिर मैंने इसको प्याज के साथ भून दिया। फिर वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस भून जाना चाहिए किसी भी तरह। और यहाँ पर मैं इसको भून रही हूँ। और यहाँ पर रखा हुआ टमाटर, और ये रहा बैंगन जो हम इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। और इसमें मसाला डलेगा लहसुन, और मिर्च तो डाल ही दिया है हमने, थोड़ा बहुत डाल देंगे लहसुन और जीरा गुल्फी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं डालेंगे। तभी मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने डाल दिया है मसाला, बहुत ही अच्छे से मैंने पीस के और डाल दिया है। मैं अब आपको दिखाऊंगी कभी मैं कैसे मसाला पीसती हूँ। और मैंने इसको इसमें डाल दिया है लहसुन और जीरा मिर्च और थोड़ा सा अदरक और वही गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला और हल्दी, और बहुत ही अच्छा हो गया है। मैंने इसमें बैंगन भी थोड़ा सा डाल दिया, बैंगन डालने से बहुत टेस्टी बन जाता है। और कौन कौन बैंगन डाला हुआ खाया है अदौरी, और कौन कौन सी चीज़ की अदौरी खाया है वो मेरे को बताएंगे कमेंट्स करके। और मैं इसमें पानी डाल दूंगी अभी इस टाइम पे, क्योंकि इसमें से खुशबू आने लग गई है मसाले में से, और एकदम अच्छे से भून गया है। तो आप लोगों में से किसको अदौरी खाना पसंद है, आप लोग खा सकते हैं। आप लोगों के लिए कोई अगर चाहे तो ऐसे भी बना सकता है, इस स्टेज पे भी खा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल पक चुका है, ये रेडी है खाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा मन है पानी डालने का इसलिए। और फिर हमारी फैमिली भी थोड़ी ज़्यादा है, तो उसमें ग्रेवी थोड़ी चलेगी। और अगर आप ऐसे बनाने के खाना चाहोगे ना, तो वैसे भी खा सकते हैं पराठे के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। और चने की है ये अदौरी, और बाकी आलू की और भी कई सारी चीज़ों की अदौरी बनती है। हमने बहुत खाई है, हमारे गांव पे बहुत बनता है, पहले तो और बनता था, अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि हर एक पुरानी चीज़ें अब कम होती जा रही है, आपको पता ही है। बाकी पहले बहुत बनता था, जब भी हमारे खेतों से आलू उखड़ के आता था तो फिर उसका चिप्स बनता था, पापड़ बनता था, अदौरी बनता था, फिर चना जब कट के आता था तब ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो चलिए, मेरे बहुत सारा कपड़ा भी मैंने बापू क्लीनिंग का आला है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। है फैमिली, तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग, 9 बजने वाला है, और सब मैंने भेज दिया ड्यूटी। बाबू के लिए तेल, हम कल मार्केट गए थे तो लेट हो गया था, क्योंकि हम कल गए थे बाबा मोहन राम, तो लेट हो गया था, हम सामान भी नहीं ले पाए और बाबू का तेल भी हम नहीं ला पाए। तो ये है बाबू का छोटा सा तेल, मैंने यहीं लोकल मंगाया दुकान से। और ये मैंने कुछ ठंडी का कपड़े निकाले हैं बाबू के, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर अब बहुत होने लगी है ठंडी, तो इसलिए मैंने इनर निकाल दिया, उसका इनर ही पहने का अभी सिर्फ, अभी स्वेटर मैंने नहीं निकाला है। तो ये देखिए, अभी बच्चों को ना शुरू में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, हम शुरू और लास्ट में क्या करते हैं ना कि लापरवाही कर देते हैं, इसके बाद हो जाता है बहुत प्रॉब्लम। तो देखिए, यहाँ पे तीन पैंट और तीन इनर भी है, बाकी एक मैं शायद निकाल नहीं पाई, वो नहीं निकल पाया, मैं बाद में निकालूंगी, अभी इतना भी ठंडा नहीं है, बस हाँ केयर की ज़रूरत है। और एक मैंने निकाल दिया तौलिया, क्योंकि वो ओढ़ता नहीं है, तो मैं उसको उड़ा के सुलाऊंगी। वैसे तो ये ऐसे वाला है, थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे। और ये है हाफ स्वेटर, वो भी मैंने निकाला है इसलिए क्योंकि बारिश भी रोज़ रोज़ हो रही है, तो मैं पहनाऊंगी उसको, ऐसे भी एक आध महीने, एक महीना 15 दिन में ठंडा आ ही जाएगा। और यहाँ पे सारा कचपड़ा मचा हुआ है, और ये हमने निकाल दिया, तो अभी मेरे को सारा काम करना बाकी है। मैंने खाना बना लिया, बाकी थोड़ा सा चावल बच गया था, रात को हम लोग लेट आए थे बाबा मोहन राम से, तो खाना बनाया था ना, तो सब मैंने हल्का ही खाया था, तो इसलिए चावल बच गया हमारा। तो जब रोटी बचता है तो भी मैं उसकी रेसिपी बना देती हूँ, और चावल बचता है तो भी मैं उसकी रेसिपी बना देती हूँ। यहाँ पे आटा मैंने बना के रखा हुआ है ना, उसका ही है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावल। मैंने जीरा डाल दिया है, और प्याज मिर्च डाल दिया है, टमाटर रखा हुआ है, और यहाँ पे रखा हुआ है चावल। बाबू को मैंने अनार और दूध का मिक्सचर बना के खिलाया है बहुत ही मुश्किलों से, तो वो है। और यहाँ पे बाबू खेल रहा है आराम से झाड़ू लेके, देखिए उसने भी मेरे को देखा नहीं, अगर वो मेरे को देख लेगा ना तो वो मेरे ही पीछे आ जाएगा।
हमारे यहाँ पे करेले का लिया बन गया था, उसमें से इसने करेली तोड़ ली है और करेला तोड़ के और करेले से ही खेल रहा है देखो अपनी दीदी के साथ। तो मैं जब तक फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ राइस, और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम बाबा मोहन राम कब पहुँचे थे, कैसे पहुँचे थे, और एक क्लिनिक की बात की है जो हमारे साथ कल बहुत ही अच्छा लगा हमें वहाँ पे जाके, और एक अलग ही चीज़ हुआ क्योंकि यहाँ से 30 सालों से यहाँ पर रह रहे थे, इन लोगों के साथ नहीं हुआ था जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है और उनके साथ भी हुआ है 30 सालों के बाद। तो चलिए अभी हम आपको काम वाम करके तब मिलते हैं, फटाफट से सारा काम निपटा लूँ, बहुत ही ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। तो यहाँ मैंने सारा काम कर लिया है और बाबू को नहला उला दिया है, और आज थी बारिश कर रखा था, बहुत ठंड लग रहा था, तो बाबू को मैंने फुल कपड़े पहनाया हुआ है और यहीं पे मैं बाबू को खाना खिला रही हूँ, बाबू खेल भी रहा है आप देख सकते हैं। क्या कर लो बेटा जी? ओ बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, क्या कर रहे हो बेटा जी? छोटे बेटे, ओ छोटे बेटे, अब तो गिर जाओगे बेटा इसी में। ओ ओ ओ, ऐसे ही होता है लड़कों का खेल, लेकिन ऐसे ही खेला हथिन लड़का लोग, ये हमारा मगैया भाषा। वनी सब के गुड़ छुके प्रणाम करी थी, छोटा लोग के बहुत सारा प्यार देवी थी, और यहाँ हमारे बबुआ खेले थे, यहाँ हमारे रेंगा, तो रेंगा का हमारे देखो कैसे कैसे खेला खेला है या, और लड़का लोग रेंगा लड़का लोग जो हुआ थी छोड़न सब ऐसी खेला थी, ऐसे ही लगी थी कि एक पर शोध करके इंजीनियरिंग कर लेते, डिप्लोमा धारी हो जाते ऐसे ही ना, ना बाबू ऐसे हो जाए भी ना। हे बाबू, अरे बबुआ, बबुआ, अरे बबुआ, बबुआ रे कौची कर लो लो, ए आ, ए आ, ए आ, ए आ, चलो बेबी चलाओ, बेबी चलाओ, बैठो, बैठ के चलाओ, चलाओ। क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है बेटा? वीर, वीर, बाबू, 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 मेरा बाबू बाहर खेल रहे हैं, मेरा बाबू पीपी चला रहा है, बाबू बाबू बाबू, मेरा बच्चा पीपी बना रहा है, मेरा बच्चा पीपी बना रहा है, मेरा बच्चा पीपी बना रहा है। ओ तुम नाता को क्यों करते हो बेटा जी, तुम नाता को क्यों करते, किसका बुखार बनाओगे बेटा जी, बेटा जी किसका बुखार, बेटा जी किसका बुखार बनाओगे, बेटा जी क्यों उठा रहे हो, कौन सी रखा है उसके नीचे तुम, उसके नीचे क्या रखा है तू, अरे क्यों उठा रहा है बेटा, क्यों उठा रहा है, क्यों उठा रहा है, क्या गाना गा के सुना तो, दादा वाला, दादा वाला, चाय चाय दादा, चाय दादा, कु। तो जब से बाबू हुआ है ना मेरा दिन से रात कब हो जाता है मेरे को पता भी नहीं चलता है गाइज, और मैंने आपको काम करके भी नहीं दिखाया कि कैसे कैसे हुआ, मैं बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाती हूँ, और फिर कैसे मेरे को एडिट करने में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि कहाँ की कहाँ सारी चीज़ें शूट की हुई होती है, मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है और मेरे वीडियो बनाने का भी कोई सपोर्ट नहीं करता है, ये मेरी ज़िद है कि मेरे को कुछ करना है अपना कुछ हो, तो इसके लिए मैं ये करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए और जल्दी जल्दी हमारे चैनल को मोनेटाइज करवाइए, क्योंकि बहुत लोगों का मुँह खुलने लग गया है कि इतने दिन हो गए अब तक हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, ये वो तुम टाइम पास कर रही हो, देख लेंगे ये वो, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। और यहाँ पे हो चुकी है अब रात, और रात को बाबू सो गया है, सुबह मैंने स्टार्ट किया था जब ये नहाया नहीं था, इसके बाद नहाने के बाद खेल खा रहा था वहाँ पर,
और इसके बाद वो बारिश हुई थी ना, तो इसने सारा कपड़ा गंदा कर लिया था, तो इसलिए मैंने इसको मुँह हाथ धुलवा के और दूसरा कपड़ा चेंज कर दिया, और ये सुकून से सोया हुआ है। आप लोग भी सुकून से सोइए, तब तक के लिए बाय बाय।